अभी इस वीडियो में जो OMR सीट होता है वो बनाना सीखेंगे, ताकि जो प्रैक्टिस सेट होता है या फिर जो क्यूज करवाते हैं ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास में, तो OMR सीट कैसे बनाया जाता है MS वर्ल्ड में, मतलब हम अभी बनाएंगे तो आप लोग सीख लीजिएगा, क्योंकि अगर परचेज़ करोगे तो महंगा पड़ता है, आप ऐसे प्रिंट करके आसानी से सस्ते में 1-2 रुपये में निकल जाएगा आपका। तो अभी हम MS वर्ल्ड ओपन कर लिए हैं, इसमें सबसे बेसिक से पूरा सब कुछ सीखेंगे। पहले आपको यह जो मार्जिन है इसमें चलना है अपने को, और सबसे पहले जो बॉर्डर है ना नैरो वो सिलेक्ट कर लेंगे, ताकि आपको लास्ट तक जो है वो आ जाए। उसके बाद हमने क्या करना है कि साइड का बॉर्डर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो साइड के बॉर्डर के लिए या तो लेआउट में भी या लाइन वाले में भी आपको पेज बॉर्डर, यहाँ पे आपको दिखेगा पेज बॉर्डर में आएंगे बॉक्स, ओके ये हमारा पेज बॉर्डर हो गया। इसके बाद अब हमने यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम लिख लेना है, तो हम तो अपना क्या लिख लेते हैं, कुमार सॉल्यूशन लिख लेते हैं, कुमार सॉल्यूशन। अब जैसे ये हम लिख लिए, इसको आपने कॉपी करना है, होम वाले पे आ जाना है, इसको फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर देंगे, फॉन्ट अगर चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हैं, हमने चेंज कर दिया। इसको सेंटर में ले आते हैं, बोल्ड कर देते हैं थोड़ा, अंडरलाइन या फिर जो भी करना है आपको ये सब कर सकते हैं, अंडरलाइन इतना कर दिया, ठीक है। अब जिस एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस हमने करना है वो, तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या होगा कि आप एक थोड़ा दिखने में अट्रैक्टिव लगे, तो आप इंसर्ट में जाना, एक शेप कोई चुन लेना, ऐसे ऐसे यहाँ पे, जैसे मैंने कुमार सॉल्यूशन लिखा उसको भी आप ऐसे कर सकते थे तो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखता। इसके बाद अपने अकॉर्डिंग का कोई कलर ऐसा डाल देंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि अभी से NTPC का सेट या ग्रुप डी या SSC का सेट चलेगा, तो वो हमने इस पर लिख लेना है। तो फिर क्या करेंगे, इंसर्ट में ही जाएंगे, टेक्स्ट वाले फॉर्मेट पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, NTPC सेट, NTPC या रेलवे प्रैक्टिस सेट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, RAILW रेलवे सेट्स, ठीक है ये लिख दिया। अब इसको क्या करना है हमको, होम में चलते हैं पहले, और भी ढेर सारा ऑप्शन आता है, बस बेसिक की बात कर रहे हैं अभी हम। ये जो टेक्स्ट का फॉर्मेट है इसको थोड़ा, ये जो वाइट दिख रहा है ना इसको थोड़ा हम हटा लेते हैं। तो आप क्या करना, जैसे शेप फिल है ना इसको आप यहाँ पे नो पे ओके कर लेना, और जो फॉन्ट का कलर है ना वो हम कर देते हैं येल्लो, ताकि आपको दिखेगा। अब फिर होम में आके इसको बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, यह आ गया, इसको बीच में कर देते हैं। आप कुछ बड़ा भी लिख सकते हो, SSC बैंकिंग जो भी लिखना है आपको लिख सकते हो। साइड में अगर ऐसा आपको बॉर्डर दिख रहा है तो आप क्या करोगे, आउटलाइन शेप को इसको कर दोगे नो सर, ठीक है ये हट गया। अब हमने क्या करना है, डायरेक्ट लगाते हैं 100 क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन है उतना का यहाँ पे हम नंबर सीट लगाते हैं। आप इंसर्ट में आओगे, फिर टेबल में आ जाओगे, टेबल में आके, अच्छा पहले यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, नीचे आना होगा हमको, नीचे आ गए, इसको साइड में लाना है, यहाँ पे साइड में आ गया। अब क्या करेंगे, होम टेबल में जाके टेबल सेलेक्ट करेंगे, जितना टेबल चाहो, क्योंकि अच्छा इससे अधिक हमको करना था, फिर ऐसे करके नीचे कर देते हैं, ऐसे करके आप नीचे कर सकते हो, ठीक है। अब हमको क्या करना होगा ना, इसको सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि एक साइड तो रहेगा क्या सीरियल नंबर, फिर इसमें 1 ABCD पूरा होता है, फिर यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ भी सीरियल नंबर, चलो इस कॉलम को हम हटा देते हैं। इस कॉलम को हटाने के लिए डिलीट में जाएंगे, कॉलम है, इंटायर कॉलम है, ये हट गया, किसका देते हैं, 3 रो ही रहने देते हैं, प्रत्येक रो में आप 50 या ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, जितना बड़ा आपका पेज निकालोगे प्रिंट में। तो नहीं हो रहा तो डिलीट भी कर सकते हैं उसको। अब क्या करेंगे हम, और हमको जोड़ना है, मतलब अप्रोक्स 50 कर देंगे, ताकि 150 क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा कर लेंगे। अब हमको इसमें सीरियल नंबर लिखना है, तो SL, थोड़ा फॉन्ट छोटा कर सकते हैं आप इसका, बोल्ड भी हटा देते हैं, उसको भी छोटा कर देते हैं, अंडरलाइन भी हटा देते हैं, और ये बीच में आए उसके लिए देखिए यहाँ पे लेआउट है, लेआउट में आके आप इसको कर देंगे तो बीच में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन लिख लेते हैं, ऑप्शंस, इसको भी देखिए एक तरीका और क्या होता है,
ये जो फॉन्ट है ना उसी में इसको लाना है, तो आप डायरेक्ट होम में जाके इसको सिलेक्ट करके आप इस पर क्लिक करोगे तो पूरा वैसा ही हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। फिर यही सेम सीरियल नंबर ऑप्शन कॉपी कर लो, यहाँ भी पेस्ट कर सकते हो ऐसे करके, यहाँ भी पेस्ट कर सकते हो ऐसे ही करके। अब सबको एक सीध में लाना है, उसके लिए सबको मार्क करो, लेआउट में आएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, सब एक जैसा हो गया ऑप्शन। अब यहाँ पे सीरियल नंबर 12 लिखना है हमको, तो क्या करना है, इंसर्ट में आना है, यहाँ पे 1 है ना, तो पहले इस पूरा को सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, ऐसे सेलेक्ट करेंगे और 1 2 वाले में ओके कर देंगे, तो ये सब में आ गया, थोड़ा साइड चला गया। इसके लिए क्या करेंगे हम, थोड़ा इसको कुछ देर के लिए बड़ा कर दीजिए, इसको छोटा करते हैं थोड़ा, और इसको कॉर्नर पे लाना है ना, यहाँ ये छोटा एरो दिख रहा है इसको खिसकाएंगे, हाँ ऊपर से पकड़ के, अब इसको आसानी से पीछे कर सकते हैं। आगे ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, इस सबको भी खिसका लेते हैं क्योंकि ये सब खराब हो गया थोड़ा। इधर भी थोड़ा खराब हो गया, ये हो गया। अब ऐसे इसको आगे भी कर सकते थे, जैसे ये है ना, इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करके इसमें ओके करेंगे तो इसमें आ जाएगा। अच्छा ये 1 2 3 ऐसे करके जा रहा है, आप मैनुअली भी ये टाइप कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब मेन होता है ऑप्शन लिखने का, तो ऑप्शन जो लिखेंगे ना उसके लिए कोड आता है, जैसे आप क्या करोगे 24 लिखोगे, 24 पहले लिखोगे, उसके बाद डी लिखा जाता है, डी लिखेंगे, फिर पहला में लिखेंगे 0, तब ऑप्शन ए आएगा 0, उसके बाद अल्ट और एक्स को एक साथ प्रेस करेंगे, अल्ट और एक्स को एक साथ प्रेस करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आ गया। थोड़ा बोल्ड और अंडरलाइन हटा देते हैं इसका, अंडरलाइन और बोल्ड को हटा देते हैं, ठीक है, फॉन्ट थोड़ा छोटा कर सकते हैं वो अपने हाथ पे है। इसके बाद स्पेस दबाएंगे, दूसरा ऑप्शन मतलब ए हो गया, बी करने के लिए 24, फिर डी, उसके बाद 1, पहले 0 से स्टार्ट किए थे, फिर अल्ट और एक्स, ऑप्शन नंबर बी हो गया, फिर स्पेस दबाएंगे, फिर 24, उसके बाद फिर हमको सी करना है ना, 24 के बाद डी 2 और फिर अल्ट और एक्स, ये हो गया ऑप्शन सी, फिर स्पेस डालेंगे, ऑप्शन डी के लिए भी 24, फिर डी डालना है, उसके बाद इस बार 3 दबाएंगे, 3 और फिर अल्ट और एक्स, ऐसा ऑप्शन डी करना है, फिर ऐसे ही 24, उसके बाद डी, उसके बाद 4 दबाना है हमको और एल्ट और एक्स, ऐसे ही हो गया। तो हमको सेलेक्ट तो इसी में करना है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, छोटा हो गया ऐसे, ये थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हाँ ये से सेलेक्ट हो गया। अब क्या करना है, सबको कॉपी कर लेना है ऐसे कॉपी, और एक साथ मार्क करके आप सब में पेस्ट कर सकते हो, सब में पेस्ट हो गया, तो ये हमारा OMR सीट ऐसे बन जाएगा, सब में आप ऐसे डाल दोगे और बना लोगे, प्रिंट आउट निकालोगे तो सस्ता पड़ेगा। और जैसे पूरा सेलेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब में ऐसे ही पेस्ट, कंट्रोल प्लस कॉपी भी करना है, ये थोड़ा छोटा हो गया तो आप फोन थोड़ा छोटा कर दो सब में, क्योंकि तक एडजस्ट हो जाए, वैसे ही फिर इसमें भी वैसे ही कर लेंगे, हो गया एडजस्ट। तो आप ऐसे ही करके बना सकते हो, कितना नंबर आया वो कर सकते हो, ये थोड़ा मैं फोन छोटा करके बड़ा करके किया क्योंकि थोड़ा स्पष्ट दिखे आपको, छोटा करता तो और अधिक आ जाता इसमें, क्योंकि कलर करना भी थोड़ा ठीक से हो पाएगा, आप 2 पेजे भी कर सकते हो। तो आई होप समझ में आ गया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और भी किस चीज़ें बनाने में आपको दिक्कत हो रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि हम हेल्प कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।